आज हम दिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट का दियुंगब्रा जगह में है और दियुंगब्रा में ये राजबारी टू बोल के बस्ती है वहाँ पे है। आज जिससे हम मिलाने जा रहा है आप लोग को, वो लोग का एक जो दुख भरी कहानी है वो अभी हम लोग सबको मालूम होना है। मैंने ऑलरेडी वो लोग से थोड़ा बातचीत किया है, वो लोग का परमिशन से आज ये हम स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रहा है। वैसे तो ये लोग डिमासा भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज का कहानी सबको पता चले इसलिए हम लोग हिंदी में आप लोग को बताना चाहते हैं उन लोग का स्टोरी। आपका नाम पहले एक बार बता दो। मेरा हेमी बोल रहे, मेरा नाम हेमी। आपका नाम? परबिता केम्प्राय। ये जो शेमखोर फिल्म अभी रिलीज भी हुआ है, उस फिल्म में जो एक सीन है और फिल्म का लास्ट सीन में भी है, जहाँ में फिल्म का एक्ट्रेस और डायरेक्टर एक बच्चा को लेता है अपने साथ में, वो बच्चा एक्चुअली आप लोग का बच्चा था। हाँ, मेरा बच्चा था। और उस दिन का शूटिंग के बाद में 5 दिन बाद में वो बच्चा का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। क्या ये सही है ये बात? सही है। तो इसके बारे में आप लोग दुनिया के सामने में और थोड़ा कुछ बताइए कि कैसा हुआ था ये, वो आप लोग थोड़ा स्टार्टिंग से आप लोग बताइए। तो हम लोग तो यहाँ पे लोकल कुछ आदमी है, हम लोग का जान पहचाने है, वो लोग बोला थोड़ा आप लोग का बच्चा मिलेगा फिल्म शूटिंग के लिए तो पानी मोर में थोड़ा सीन लेगा बोल के बोला, इसलिए हम लोग भी नहीं देगा बोले नहीं बोल सकता है, खुद अपना आदमी है, इसलिए हम लोग लेके गया। लेके जाने के बाद में वह हमें सुबह आया, वो लोग 6-7 ऐसे में आया, फिर हम लोग का बच्चा हम लोग साथ में गया, मामा भी गया पापा भी गया एक साथ लेके बच्चा को भी गया। वहाँ में जाके प्राय 1 आवर्स के जैसे रेस्ट भी लिया, बाद में वो लोग आया एक्ट्रेस लोग भी आके बच्चे को भी देखा, देखे बाद में वो लोग नदी के किनारे में लेके शूटिंग भी किया, शूटिंग किया 1 घंटे के जैसे किया, उसके बाद में तो इतने ही 1 घंटे के जैसे शूटिंग किया उधर में, और फिर आ गया तो इधर ऊपर में आ गया, पहले तो नदी किनारे में किया रहा, इतने ही बेटे इतने शूटिंग किया। तो उसके बाद में शूटिंग करने के बाद में क्या हुआ? शूटिंग करके तो थोड़ा रेस्ट भी लिया, कुछ खाना वाना पिया, बाद में आ गया घर में आके। जैसे शाम में तो बच्चा भी सब भी कुछ भी अच्छा है, बाद में फिर सुबह के टाइम में थोड़ा मैंने उसका तबीयत थोड़ा ख़राब कैसे हो गया, इसलिए हम लोग डॉक्टर डॉक्टर भी दिखाया, पुजारी भी दिखाया, फिर भी बोला वो लोग भूत पकड़ा बोल के ऐसे बोल के बोला। तो बाद में हम लोग पूजा वूजा करने का भी टाइम नहीं मिला, फिर उस टाइम में तो दुर्गा पूजा भी था, तो रात में ऐसे 1:30-2 बजे में रोके वो ध्यान हो गया, ऐसे इतने ही। शूटिंग का कितना दिन बाद में, शूटिंग का नेक्स्ट डे में उसका बुखार हो गया? थोड़ा बुखार हो गया, मतलब उसका पूरा कमज़ोर हो गया, वोमिटिंग भी थोड़ा किया। तो आप लोग बोला कि डॉक्टर के पास ले गया? डॉक्टर के पास लेके गया। कौन सा दिन में आप डॉक्टर के पास लेके गया? डॉक्टर के पास में उसे ट्यूसडे का लेके, ट्यूसडे का दिन मंगलवार का दिन में लेके गया। शूटिंग कब हुआ था? तो मंडे को हुआ था शूटिंग, मंडे को हुआ, आप ट्यूसडे को डॉक्टर के साथ लेके गया। डॉक्टर क्या बोला उस टाइम में? डॉक्टर ने बोला उसमें कुछ बीमारी है, थोड़ा कॉफ हुआ ठंडे के वजह से ऐसे बोला। और आपका बेबी का डेथ देहांत कब हुआ, कौन सा दिन में? मेरा को शुक्रवार को से 2:20 ऐसे में देहांत हो गया। शुक्रवार मतलब फ्राइडे को? फ्राइडे को। तो बुखार से और ठीक नहीं हुआ मतलब? बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर ने तो बोला कुछ बुखार नहीं है, फिर भी हम लोग
नहीं, डॉक्टर ने पहले तो बोला बुखार है, बुखार है, तो बुखार डॉक्टर को बोला हम लोग बुखार है ऐसे बोल कर चेकअप करने गया, बोल रहे कुछ बीमार तो नहीं, केले कॉप हुआ ऐसे बोल के बोला डॉक्टर ने। अच्छा तो हम लोग आके अपना डिमेंशिया का डरा से मनाई भी होने किया, सोया भी देखने मिला तो कुछ मनाई लगा ऐसे बोल के बोला, बाद में तो हम लोग मनाई भी होने को नहीं सका, मदाई हुआ तो और करने नहीं सका, टाइम ही नहीं मिला टाइम नहीं मिला। मतलब। तो आप लोग हॉस्पिटल में भी लेके गया था? हॉस्पिटल में वो ब्लॉक बाज़ार में लेके गया रहा, ब्लॉक बाज़ार में उस टाइम में तो थोड़ा पूजा का मॉल था, उसमें थोड़ा बारिश भी दे रहा था, उसमें कारण भी नहीं, उधर हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं था, और उधर नर्स को मिला, नर्स ने बोला अभी रात हो गया, उधर में बच्चा लोग भी और दूसरा उन लोग का कुछ रिलेटिव भी सो रहा है, डिस्टर्ब होगा मूत्रो ऐसे बोल के बोला, तो मैंने चिल्ला के भी बोला, तो बोलता है मेरा बच्चा ध्यान हो गया, थोड़ा चेक करो, बोले तो थोड़ा वो देखा, बोला तो बच्चा मर गया, अभी कुछ हम लोग कर नहीं सकते, घर में लेके जाओ ऐसे बोल के बोला। तो हॉस्पिटल में उसका अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ही नहीं उधर, डॉक्टर ही नहीं था? हॉस्पिटल में लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बारिश में डॉक्टर क्यों नहीं था उस टाइम में? कितना बजे को आप लोग गया था? रात का 1:30-2 बजे से होगा, तो उस टाइम में डॉक्टर नहीं था? डॉक्टर नहीं था। एक मैडम ने आया, वो आके बोला क्या हुआ, बोला तो मेरा बच्चा बीमार है देखो ऐसे बोल के बोला, ये इतनी शूटिंग कब हुआ था आपको डेट याद है? डेट 2020 में हुआ, इसे 19 अक्टूबर को हुआ, मंडे का दिन था, 2020 को, 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को हुआ था। आपका जो बच्चा था वो कितना साल का था वो? बता सहीगा? उसके तो साल नहीं हुआ, उसके 3 मंथ होने के लिए 2 डेज बाकी था। 3 मंथ्स होने का 2 डेज बाकी था। लड़का या था या लड़की पूछ लड़की सहीगा? था। लड़की। नाम क्या था पूछ सहीगा? नाम उसका क्लियरिंग बोल कर रखा था। क्लैरिंग, क्लैरिंग ना। तो उसका आपका बच्चा का देहांत होने के बाद जो लोग मूवी फिल्म जो बना रहा था, आप लोग को जो कांटेक्ट किया, वो लोग ने आप लोग को कांटेक्ट किया कुछ ना? आप लोग उन लोग को कांटेक्ट कर सका? जो हम लोग को बच्चा लेके गया वो लोग तो साथ में भी था, वो लोग और जो हम लोग से फोन में बच्चे जो वो भी साथ में था, वो लोग तो पूछा जी कि कैसे हुआ बोल के बोला, कैसे हुआ बोल के बोला, तो हम लोग भी अब कैसे हुआ बोल के उन लोग को हम लोग बताने भी नहीं सका, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग अपना बच्चा के बीमार कैसे इधर उधर लेके घूमा, फिर भी अच्छा नहीं हुआ, तो रात को हो गया, अचानक हो गया, तो हम लोग बताने नहीं सका, बाद में जो हम लोग से कांटेक्ट हुआ पहले उन लोग से तो बात हो गया, जो आप लोग को कांटेक्ट कौन किया बच्चा कर ले, मतलब यहाँ का कोई आदमी, हाँ लोकल यहीं के आदमी? आदमी के लोकल आदमी। अच्छा। और जो फिल्म का जो ये तो फिल्म तो गुवाहाटी का आदमी लोग आके बनाया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो लोग के साथ आप लोग का कुछ जान पहचान है? जान पहचान नहीं है लोग से, तो कांटेक्ट वो लोग के साथ कांटेक्ट है, नहीं है हम लोग के मतलब पास, यहाँ लोकली कोई कोई आप लोग को लोकल आदमी आप लोग को वो कांटेक्ट कांटेक्ट किया, किया? यहाँ का लोकल आदमी कांटेक्ट किया, बाहर से तो हम लोग कांटेक्ट नहीं है दूसरा फिर उसके साथ। अभी आप लोग का दिल में क्या चल रहा है? आप लोग क्या कुछ बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो लोगों अभी से? तो हम लोग क्या बोलेगा, अभी तो जैसे कि पहले तो फिल्म हुआ हुआ उस टाइम में तो ऐसे बोल के मालूम होता तो हम लोग भी नहीं देता रहा, तो फिर भी मालूम नहीं है पहले में तो ऐसा होगा बोल के। आप लोग को क्या बोला था जब आपका बच्चा को फिल्म में लेके
लेके मतलब उसका शूटिंग करेगा बोलने में आप लोग को क्या बोला एग्जैक्टली उस टाइम में? उस टाइम में बोला जी कि आप लोग को बच्चा तो 3 महीने का है, थोड़ा मिलेगा नहीं क्या ऐसे बोल के बोला, तो कहाँ लेके जाए उधर पानी मोर में थोड़ा फिल्म मतलब थोड़ा बच्चा का सीन देखे क्या ऐसे बोल के बोला, तो इसलिए हम लोग थोड़ा के लिए तो क्या होगा, बाद में तो हम लोग कोई जगह तो डेंजर है बोल के तो मालूम है, फिर भी बोला कुछ नहीं होगा हम लोग है ऐसे बोल के बोला। आप लोग को कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन कराया? साइन नहीं किया ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का साइन नहीं किया। शूटिंग में अगर कुछ बच्चा कुछ बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब का कुछ इंश्योरेंस नहीं तो कुछ ऐसे साइन कराया आप लोग से? कुछ नहीं किया सर, ऐसे साइन कुछ नहीं किया। आपका बच्चा फिल्म में उसको भी मतलब शूटिंग कराया, उसके लिए कुछ आप लोग का फीस कुछ इतना फीस देगा इतना पैसा देगा कुछ बात हुआ? नहीं ऐसे फीस का कुछ बात नहीं हुआ, हम लोग भी फीस मिलेगा बोल के भी नहीं बोला, वो लोग भी देगा बोल के नहीं बोला, ऐसे हम लोग जान पहचान है बोल के ठीक है ऐसे बोल के हम लोग भी लेके गए। आप लोग को जो कॉन्टेक्ट किया लोकल आदमी वो लोग जान पहचान है बोल के? जान पहचान है हम लोग, दिल्ली आता जाता है, अपना खुद का आदमी भी है इसलिए ऐसे लेके गया। क्या बोलेगा अभी तो लोग भी तो अभी तो सुन रहे कि गुवाहाटी में फिल्म में रिलीज हुआ बोल के, हम लोग तो देखने तो नहीं मिला लेकिन फेसबुक में गूगल में देखते हैं तो लोग पूरा ख़राब सीन नहीं बोल के ऐसे बोला, इसलिए थोड़ा दिल में तो खराब लगा, जो हम लोग को फिल्म के लिए एक्टर के लिए लेके गया वो लोग भी थोड़ा हम लोग को सोचना पड़ता रहा, वो लोग तो अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्डिंग भी तो नहीं दिया। फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग आप लोग को कॉन्टेक्ट नहीं किया अभी तक? वो लोग से तो हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं है, सिर्फ बोले यहाँ अपना गांव का लोकल वाला से कॉन्टेक्ट है, ऊपर हम लोग तो वो लोग से तो कॉन्टेक्ट नहीं है। आईमी बरुआ कौन है आपको मालूम है? आईमी बरुआ बोल के तो हमको तो मालूम नहीं है, तो फिल्म एक्टर है बोल के तो सुना, उस दिन में तो गया साथ में देखा, देखने भी मिला उस दिन में, हम तो उसको पहले बार देखा उसका बात से तो, और नहीं आपका उस दिन से तो हम लोग को देखा भी नहीं सुना भी नहीं। आपका बच्चा का डेथ होने का बात तो ना, उस दिन जब शूटिंग हुआ था उस टाइम में वहाँ का वेदर कैसा था और आपका बच्चा को कैसा करके शूटिंग में कैसा करके वेदर तो यूज किया वो थोड़ा बोल सकेगा? मतलब आपका बच्चा को वेदर तो ऐसे कौन हैंडल किया, कैसा पकड़ा ना, क्या क्या माहौल था उधर में, आप थोड़ा उसको बोल सकेगा याद होने से? वेदर तो थोड़ा ख़राब था जी, सुबह के टाइम में तो अच्छा ही था लेकिन जो शूटिंग होने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा बारिश हुआ, छोटा छोटा करके मतलब पूरा छोटा छोटा करके बारिश हुआ, तो उस टाइम में बारिश में तो थोड़ा रुका, छाता उटा लेके थोड़ा रुका, बाद में फिर भी थोड़ा कम हुआ तो उसका वो फिल्म एक्टर ने लेके उसको थोड़ा शूट किया, जैसे नदी के किनारे में बालू के किनारे में थोड़ा सा शूट किया, वहाँ पहले बार वहाँ से लेके ऐसे 1 घंटा ऐसे ऐसे शूट किया उधर में, तो कपड़ा तो उसके सब खोल ले रहा और एक गमछा गमछे से उसको से बनंग किया रहा, इतनी किया उधर में तो शूट उधर, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश दिया था, थोड़ा थोड़ा गिर थोड़ा ठंडा मतलब पानी के पास था, पानी के पास थोड़ा ठंडा, बच्चा भी तो बच्चा का कपड़ा भी तो खोला था ना, कपड़ा नहीं था तो कपड़ा तो खोला था। आप लोग का दुख तो बहुत लोग को समझ का बाहर होगा, आप लोग को ऊपर में क्या गुजरा होगा, लेकिन अगर अगर कोई आप लोग का कुछ मदद कर सकेगा आज के दिन में, आप लोग का दिल में क्या है अभी, आप लोग कुछ बोलना चाहता है? कुछ भी नहीं मांगता अभी, हम लोग को जस्टिस मिलने से हो गया, ऐसे सुना है कि फिल्म में भी बराबर वाट मिला बोल के तो सुना, तो हम लोग को दिल में भी थोड़ा दुख है क्योंकि हम लोग तो पूरा अपना लाइफ दे दिया, हम लोग को उसको माँ भी 9 मंथ तो
उसको पेट में बच्चा बो के रख दो, उसके दिल में भी कितना दुख है। 1 महीने का जैसे तो हम भी वो भी उसका दुख से हम लोग भी कुछ मतलब समझने नहीं सका कैसे, बल्कि 2 महीने गुजरा हम लोग को कुछ मालूम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग तो अभी तो हो गया तो हो गया, हम लोग तो बोल नहीं सकते है। तो वो लोग जो वर्ड मिले तो हम लोग को भी थोड़ा तो सोचने पड़ता रहा, हम लोग कहीं सोचता है। आप लोग को मतलब कुछ किसी तरह से तो कुछ जस्टिस मिलने से तो अच्छा होता रहा, थोड़ा हम लोग भी जस्टिस मिलने से तो ओ हम लोग बच्चा कल भी खो गया, लेकिन हम लोग को भी ऐसा हुआ नेक्स्ट आने वाला भी थोड़ा उन लोग को भी हम लोग मदद मिल सकेगा। आई एम ऑल्सो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, हमको भी मालूम नहीं है और क्या बोलने के लिए, लेकिन आप लोग का ये कहानी ऐसा हुआ बोल के एक्चुअली हमको भी सोशल मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ था, लेकिन ये सच है या नहीं हमको मालूम नहीं था। कोई एक वीडियो में कमेंट दिया था और हमको भेजा था वो, तो इसलिए मैंने कांटेक्ट किया वो आदमी को और वो बोला कि आपका नेबर है यहाँ में रहता है, तो फिर कॉल किया तो आज आप लोग से यहाँ में आके मिल सका। लेकिन सुन के आप लोग का स्टोरी बहुत शॉकिंग है कि एक नन्हा सा बच्चा को जो 3 महीना भी नहीं हुआ उसको शूटिंग में यूज़ किया, लेकिन अभी हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हमको पता नहीं है कि एक 3 महीना का बच्चा को फिल्म में शूटिंग में यूज़ करने में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ज़रूर भी कुछ तो होगा, हमको भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर दुनिया में अभी बहुत सारा लोग है जो ये वीडियो देख के भी हम लोग का मदद करेगा, आप लोग का मदद करेगा और गाइडेंस देगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, ये स्टोरी, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, हमें क्लेरिंग को जस्टिस देना पड़ेगा और क्लेरिंग का फैमिली को, माता पिता को जस्टिस देना पड़ेगा। आज के दिन में शेमखोर नाम से ये मूवी बहुत सारा अवार्ड जीत चुका है दुनिया भर में, उसका जो डायरेक्टर है आइमी बोरुआ उसको बहुत अवार्ड मिल चुका है दुनिया भर में, और मूवी का और जो जो काम करने वाला लोग है, प्रोड्यूसर बोलो, एक्टर बोलो, बाकी सिनेमाटोग्राफर बोलो, वो लोग का नाम भी, वो लोग को भी नाम मिल रहा है और शायद आने वाला दिन में ये मूवी के ज़रिए और भी वो लोग को नाम मिलेगा, नाम रहेगा। लेकिन क्लेरिंग जो था, जो भी हुआ उसके साथ, और वो आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई मालूम नहीं है। तो क्लेरिंग को हम लोग जिंदा रखना पड़ेगा, क्लेरिंग के बारे में सबको मालूम होना पड़ेगा कि ये फिल्म बना था शेमखोर बोल के और उसमें क्लेरिंग भी था और उसका जान गया है ये मूवी में पार्ट था वो, लेकिन उसके बारे में आज हम लोग कोई मालूम नहीं है। लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, हम लोग सबको मालूम होना पड़ेगा क्लेरिंग के बारे में, हिस्ट्री में उसका नाम रह जाना चाहिए। और जो क्लेरिंग का माता पिता का लॉस हुआ है,
उन लोग को जस्टिस मिलना है, और हम अपील करता है कि जो कोई मदद कर सकता है क्लेरिंग का माता पिता को जस्टिस दिलवाने में, अभी वो जस्टिस कैसा है लीगली हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग को हेल्प चाहिए फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट्स कि कैसे हम लोग जस्टिस दिला सकता है क्लेरिंग का माता पिता को। क्लेरिंग का नाम को भी हम लोग ज़िंदा रखना है, क्लेरिंग का लाइफ तो हम लोग को वापस लेके नहीं आ सकता है, लेकिन उन लोग का दुख को, उन लोग का लॉस को थोड़ा कम हम लोग ज़रूर भी करने का कोशिश तो कर सकता है। स्पेशली डिमासा समाज आज के दिन में इकट्ठा होके क्लेरिंग का फैमिली को हमें हेल्प करना पड़ेगा। चिंख्रिपो जुरुमा नांगमा क्लेरिंग नी गुफा बुमा के, आप लोग ने इतना दुख और दर्द होके भी अपना कहानी को दुनिया के सामने में रखा, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों दिल बड़ा करके रखो जैसे अभी तक करके आया है। सो आई अपील टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस हु कैन हेल्प, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, गाइड क्लेरिंग्स पेरेंट्स कि हाउ कैन वी गेट जस्टिस। थैंक यू।